नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। नीतीश कुमार की लंबी भाग दौड़ और 2024 में मोदी लहर को थामने की कवायद, विपक्षी एकता की पहली क्लास के होमवर्क में कुल 12 राज्यों से 15 पार्टियों के 27 नेताओं की पटना क्लास मुख्यमंत्री आवास एक अड़े मार्ग पर शुक्रवार को हो गई। इस बैठक के बाद एकजुट विपक्ष ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बैठक में 3 मुद्दों पर सहमति बनी है। एकजुटता के साथ बीजेपी सरकार के काले कानूनों का विरोध करना, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना और अगली बैठक शिमला में करके इस गठबंधन का एजेंडा और संयोजक चुना जाना। इस क्लास की कुछ बेहद खास बातों का जिक्र करें तो अरसे बाद किसी सियासी बैठक में लालू प्रसाद यादव ने भाग लिया। दूसरी खासियत, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह कहना रहा कि हम विपक्षी एकता के लिए लचीला रुख रखेंगे। दशकों बाद एक दूसरे के धुर विरोधी रहे दलों के नेता जैसे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत लेफ्ट ने एक साथ मंच साझा किया और बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि इस एकता क्लास में बसपा जैसे महत्वपूर्ण दलों को एक तरफ जहां बुलाया नहीं गया तो दूसरी तरफ केसीआर, चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक जैसे नेताओं ने क्लास अटेंड करने से मना कर दिया। हालांकि नीतीश के इस विपक्षी एकता वाले क्लास पर भाजपा की बारीक निगाह शुरू से बनी रही है, इसीलिए भाजपा 2024 के चुनावी रणनीति में दो वजहों से बदलाव कर रही है। पहली वजह तो विपक्षी एकता की क्लास है ही, इसके साथ ही संघ ने जिस स्पष्टता के साथ पार्टी को जता दिया है कि 2024 में मोदी मैजिक और हिंदुत्व के सहारे नहीं रहा जा सकता, उसका असर भी पार्टी की रणनीति पर पड़ा है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उनकी सदस्यता समाप्ति, अडानी मामला, BBC की डॉक्यूमेंट्री समेत देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई तथा धार्मिक जाति हिंसा ने मोदी सरकार पर जबरदस्त डंट लगाया है। रही सही कसर मणिपुर हिंसा और अरसे बाद नए कलेवर में काउंटर अटैक कर रही कांग्रेस की बदली रणनीति ने पूरी कर दी है। आरोप है कि मोदी सरकार के ज्यादातर मंत्रियों के हिस्से उपलब्धियों के नाम पर कुछ है नहीं, जिसकी एक वजह मोदी जी खुद हैं। उनकी छपास या फोटोजीवी वाली चाह किसी और को श्रेय या कुछ नया करने ही नहीं देती, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण PM मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में किए गए कई करारों के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गैर मौजूदगी से बखूबी लगाया जा सकता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि PM मोदी की अमेरिका यात्रा में अंबानी, महिंद्रा जैसे तो साथ जा सकते हैं, लेकिन देश के रक्षा मंत्री को इंडिया में ही बैठकर TV देखने का काम सौंप दिया जाता है। भाजपा बखूबी जानती है कि 2024 में 2019 वाला मोदी लहर नहीं रहने वाला, इसीलिए उसने भी विपक्षी एकता की काट के तौर पर अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों के साथ याराना बढ़ाया है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक तरफ जहां ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर तवज्जो देनी शुरू कर दी है, तो वहीं बसपा जैसे दलों को ED और आयकर के जरिए सन्नाटे में रख रही है। इसी तरह बिहार में नीतीश से हाल ही में अलग हुए हम के जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के घराने की सियासी रार को सुलटाकर बिहारी फार्मूला तैयार किया गया है। पंजाब में पार्टी को अकाली दल का सहारा है जिससे आपको थामा जा सके, तो वहीं महाराष्ट्र में उसके पास लूली लंगड़ी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का साथ मिला हुआ है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू, KCR और नवीन पटनायक जैसे दिग्गजों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं भाजपा अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुस्लिम वर्ग में अपनी पैट बनाने के लिए मोदी मित्र अभियान शुरू कर रही है। अब इससे कितने मुसलमान जुड़ते हैं देखने वाली बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नीतीश के विपक्षी एकता वाले इस पटना क्लास के स्टूडेंट 2024 के चुनाव तक क्लास होमवर्क एकजुटता के साथ कितना और कब तक बनाए रखते हैं, कहीं क्लास बंक ना करने लगे, इस पर भी भविष्य की सियासत निर्भर करेगी। वैसे नीतीश की पहली क्लास में ही दिल्ली अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस पर किए गए हमले और सभी दलों से इसका विरोध करने वाले अपील पर उमर अब्दुल्ला के कश्मीर से धारा 378 हटाते वक्त केजरीवाल के समर्थन न करने की याद दिलाने वाले वाकये ने क्लास में थोड़ा भंग डाला है। यही नहीं, इस एकता मंच की नाव में इन्हीं पार्टियों के कुछ बयानवीर नेताओं के बयान भी माहौल खराब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पटना में विरोधी दलों की मीटिंग के बीच कांग्रेस सांसद और बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि साफ साफ सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता की जी हजूरी कर कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की है और न करेगी। कांग्रेस नेता ने स्पष्ट कहा कि तृणमूल कांग्रेस चोरों की पार्टी है, जिस पर ममता बनर्जी ने आपत्ति भी की। ठीक इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा
कि हमें जानकारी मिली है कि राहुल गांधी और बीजेपी के बीच समझौता हो चुका है। कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो संविधान के साथ खड़े हैं या बीजेपी के साथ। इस विपक्षी एकता वाले फार्मूले का भविष्य बहुत कुछ इन दलों के नेताओं के बयानों और सीटों के बंटवारे पर निर्भर करेगा। धन्यवाद।